Well, he is half Bengali and half Pathan. He's done a lot of good films aur kuch anshan films bhi kiye hain. He is also called the Chote Nawab. Any guesses? Well, we're talking about Saif Ali Khan, ladies and gentlemen. Hello and welcome to Filmypedia. I'm Ahana Banerjee aur is show mein hum baat karte hain aapke aur mere favorite stars ke bare mein, their online presence and their upcoming films. अगस्त 1970 को साजिद अली खान का जन्म हुआ. उनका नाम फिर प्यार से चेंज करके सैफ अली खान रखा गया. हिज मदर इज़ द ब्यूटिफुल एंड द गॉर्जियस शर्मिला टैगोर जी एंड हिज फादर इज मंसूर अली खान पटौली. सैफ इज़ नॉट गुड इन स्टडीज एट ऑल, सो ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम द यूके एंड स्टार्टेड वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर 2 months इन दिल्ली, जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी है नहीं. देन ही एक्टेड इन a commercial for Warrior shootings and then he went to Mumbai to start his filming career. Bekhudi bolke ek film aayi thi jinke director the Rahul Rawal and it was a film jisme thi Kajol. So first leg shooting ka jab khatam ho gaya, Rahul Rawal thought that no, he's probably a little not very filmy and wo film baad mein chali gayi Kamal Satana ko. Saif started shooting for this film called Parampara. It was an ensemble cast jahan pe Raveena thi, Aamir Khan the and it was a film that was directed by Yash Chopra ji. Lekin ye film itni buri tarah se pit gayi thi. Halanki this was supposed to be his debut film, lekin Aashiq Awara released first. That was a film with Mamta Kulkarni. Do you remember the song? Main hu Aashiq, Aashiq Awara. ये फिल्म पहले रिलीज हो गई. सो आइडियली आशिक वारा बिकेम हिज डेब्यू फिल्म. लेकिन अगर हम जब भी बात करते हैं ना सैफ अली खान, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, सो ही इज दिस ओले ओले बॉय. ओके, सो ये गाना था फिल्म ये दिल लगी से एंड इट हैड अगेन काजोल एंड अक्षय कुमार एंड इट वाज अ फिल्म आल्सो बाय द चोपड़ास. इसके बाद सैफ डिड अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक इम्तिहान, आओ प्यार करे, हमेशा, मैं खिलाड़ी तू अनारी, तू चोर मैं सिपाही. इन सब से अगर मैं आपको बता सकूं तो ओनली मैं खिलाड़ी तू अनारी वाज अ सुपर डुपर हिट. उसके बाद दिस होल 2000 के ज़माने में द होल वे ऑफ shooting films, everything started changing and the major breakthrough came with the film Dil Chahta Hai. Aur main yahan pe bol to nahi sakti ki Saif was a supporting actor because all three of them got their equal dues in the film. Ye acche filmon ke sath sath bahut sare bekar films bhi aa chuki thi jaise Suraksha. हाँ, मैं ये फिल्में देख चुकी हूँ. आई एम अ 90s चाइल्ड. आपको अगर याद है सुरक्षा में, शायद याद ही नहीं होगा आपको क्योंकि आपने ये फिल्म देखी भी नहीं होंगी. इट हैड मोनिका बेदी या एंड उसमें गाना था सुरक्षा सुरक्षा तेरी करेंगे साथ हो जन्म. आई नो दिस सॉन्ग. इन सब फिल्मों में सैफ अली खान वॉज अ सपोर्टिंग एक्टर. उनको कोई एक फिल्म नहीं मिली जिनमें ही वॉज लाइक द सोलो लीड अनटिल हम तुम के. हम तुम के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था लेकिन आई डू बैक टू डिसअग्री बिकॉज आई थिंक 2005 में परिणीता वॉज रिलीज. आई जस्ट कन्फ्यूज बिटवीन परिणीति एंड परिणीता बाय द वे. हाँ, सो परिणीता रिलीज विच वॉज अ प्रदीप सरकार फिल्म एंड आई थिंक अगर उनके लिए उनको अगर नेशनल अवार्ड मिलता तो आई पर्सनली वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. फॉर परिणीता विधु विनोद चोपड़ा सेड दैट ही डिडंट क्वाइट he was not okay with Saif, but Pradeep Sarkar, the director of the film, he insisted that he should be casted and we all know that he did a beautiful job. इस बीच में सैफ स्टार्टेड डूइंग सम रियली कलरफुल फिल्म्स लाइक लव आजकल, कॉकटेल, अ डार्क फिल्म लाइक ओमकारा, एकलव्या और बीच बीच में कुछ अजीबोगरीब वियर्ड फिल्म्स भी आने लगी लाइक नहले पे दहला. ओके, टशन, सनम तेरी कसम
बहुत ही वियर्ड फिल्म्स थी. हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी फैंटम. अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी यू शुड वॉच इट बिकॉज इट्स द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ 2611. ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. If you can, please watch it because it's a beautiful film. और उनकी acting का तो हम क्या बात करें, बहुत ही उम्दा काम किया उन्होंने. It's that film जिसमें वो गाना था ना अफगान जलेबी. That song was also very nice and the lead actress also was very beautiful. दिनेश विजन के साथ ही ओपन दिस प्रोडक्शन हाउस कॉल इल्मुनाटी फिल्म्स. नाम ही कुछ ज़बरदस्त लगता है. एंड आजकल अगर हम देखते हैं ना उन्हें तो ही यूज टू हैव दिस चॉकलेट बॉय इमेज यू नो जब हम बचपन में उनको देखते थे. एंड ही इज एज्ड सो लाइक नाइसली इफ दैट्स अ नाइस वर्ड टू यूज़. अब हम आजकल देखते हैं उन्हें कि कुर्ता पजामा पहनते हैं एंड देन ही जस्ट टॉक्स सो लाइक मच्योरली वेल मैनर्ड एक जेंटलमैन की तरह. कुर्ता पजामा पहनते तो माशाल्लाह क्या लगते हैं. अगर हम सैफ अली खान के ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंस के बारे में बात करें तो ही इज़ ऑन इंस्टाग्राम. दो दैट ब्लू टिक मार्क इज़ नॉट देयर बट ही इज़ स्टिल देयर एंड इज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एंड ही कीप्स पुटिंग हिज फैमिली पिक्चर्स इन इट. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड हिम आउट प्लीज़ गो हैम चेक हिम आउट. अगर हम सैफ अली खान के अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात करें सो देयर इज दिस नाइस फिल्म दैट्स कमिंग दैट्स कॉल्ड बाजार. दैट आर इज ऑल्सो लाइक दैट इंडियन रुपी करेंसी वाला थिंग. एंड द सॉन्ग्स आर ब्यूटिफुल इज शॉट ब्यूटिफुली. इट ऑल्सो हैज रोहन मेहरा हु इज विनोद मेहरा सन विनोद मेहरा एंड इट हैज चित्रांगदा सिंह राधिका आप्टे. So it looks beautiful, the songs are nice and it's an upcoming film. So we are really excited because a chocolate boy image se leke now we get to see Saif Ali Khan doing meaningful roles. It really excites us. Plus, main aapko ye batana chahti hun ke Sacred Games 2 is going to come out very very soon. Sacred Games 1 ke baare mein jitna logo ko pata hai aur agar aapne dekha nahi hai please go and see Sartaaj because he is gorgeous. He's amazing. From the entire team here, we would like to wish Saif Ali Khan good luck for his upcoming films. Hamara ek aur Bollywoodish ek show hai jiska naam hai Bollywood ka Badshah Quiz. If you've not seen it, please go and watch it. Or you can like this video, share this video, comment, subscribe, sab kar lo. Kyunki kya hota hai na? जैसे हम मम्मी का खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है तो हम मम्मी को बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा हुआ है. वैसे ही जैसे हम शोज़ बनाते हैं आपके लिए इफ़ यू लाइक आर शोज़ एंड इफ़ यू लेट अस नो दैट यू लाइक आर शोज़ और इफ़ यू डोंट लाइक आर शो जस्ट लेट अस नो सो दैट वी कैन कम अप विद न्यू स्टफ एवरी वीक जस्ट फॉर यू. अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय.